सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा उन्हें 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अपने प्रशासनिक सुधारों के ठीक अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की बिल्कुल स्थापना ठीक है। की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे, 1772 में आया था इसमें। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश में बंगाल में क्या करें, द्वैत शासन का क्या होता है, तो समाप्ति की स्थापना घोषणा की हो जाती है। जाती ठीक है, तो द्वैत है। शासन लगाता कौन है, क्लाइव। द्वैत शासन बारे में हिस्ट्री ठीक क्लाइव है, क्लाइव, क्लाइव ठीक है। और है। उसको हटाता कौन है, तो हेस्टिंग्स हटाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि यानी ट्रायल एंड इरर के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की स्थापना की गई। बिल्कुल इस सरकार इम्पोर्टेंट में है एक ये। अध... जी सर इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 था। सुरक्षा ठीक है, याद को रखिएगा इसका समय काल, याद रखिए पूछता है वारेन हेस्टिंग का समय काल कब से कब तक। 1774 से 1785 1785 चलिए आगे, सुरक्षा बिल्कुल प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, रिंग ऑफ फ्रेंड्स, इसी को शायद कुछ कहता है क्या? बिल्कुल इसी को बोलते हैं, घेरे की नीति को रिंग ऑफ हाँ फेंस बोलते हैं। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ जी दूसरा होता है, घेरे की नीति को बोलते हैं। ठीक है, कौन थे इसके, बिल्कुल वारेन हेस्टिंग तथा ब्लेजली संबंधित थे। ब्लेजली कौन संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स और ब्लेजली से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संबंधित। ठीक है, चलिए। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 1788 से 1795 ईस्वी चलता रहा। किंतु ब्रिटिश संसद बिल्कुल ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लियाकतों पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछता है। ठीक है, चलिए पढ़िए तो इसको ध्यान से। के प्रति जी सर रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। पहला, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 ईस्वी। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813। किसने दिया अधीनस्थ था, ये सर वारेन हेस्टिंग्स और ब्लेजली। बिल्कुल ठीक है, आगे चलिए। अधीनस्थ पाठक की नीति 1813 से 1857। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935। और बराबर के संघ की नीति जो पांचवा था 1935 से 1947। बहुत सुंदर, आगे पढ़िए। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके बिल्कुल जुडिशियरी अतिरिक्त पावर भी दे दिया गया। ठीक है, कलेक्टर की नियुक्ति केवल टैक्स कलेक्ट करने के लिए होता था, लेकिन 1887 में देखेंगे तो इनको मतलब दीवानी न्यायाधीश भी मतलब इनको नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो और कौन सा पावर दे दिया गया, बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है फौजदारी कलेक्टर के पद को। शक्ति दी बिल्कुल, क्या दे दिया गया साथ में, तो फौजदारी भी। ठीक है, ध्यान में गई रखेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का अधिकार भी दे दिया गया। बिल्कुल, सत्रह हाँ सौ नब्बे से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले
न्यायालय तीन बंगाल हेतु और एक बिहार के लिए नियुक्त किए गए, यानी कि जैसे घूम घूम करके जो करता है, चार भ्रमण करने बिल्कुल वाला ठीक है। था। हाँ, इसमें न्यायालय के तीन बंगाल में थे, एक बिहार में थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कब किया? कर्नवाली संहिता कब आया? 1793 1793 में। ठीक है। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने स्क्रॉल कीजिए सर, इसके हो तहत गया उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की बिल्कुल, न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई ले ली तथा गई उसके पास बिल्कुल जी तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई, यानी बिल्कुल। हाँ पहले बिल्कुल, जो दिया हाँ गया उसको अब ले लिया गया उसको वापस ले, कलेक्टर का पावर को कम जी। कर दिया गया। हाँ ओनली फॉर फिर सिर्फ टैक्स वाला ही छोड़ा उसके पास, जैसा कि बिल्कुल, हाँ पहले था बिल्कुल, जो पहले था बिल्कुल। हाँ जी। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रसंविदा वध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। बिल्कुल। लॉर्ड हाँ कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, यानी 2 बार इसका कार्यकाल चला, एक 86 से बिल्कुल, दो बार। 93, हाँ एक ठीक है अक्टूबर में ही रहा, 30 जुलाई से 5 अक्टूबर 1805। बिल्कुल। हाँ 1805 में। इसकी हाँ इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को भारत गाजीपुर में ही उत्तर हो गए। प्रदेश में हो गई हुई थी और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। अच्छा ये पूछता है ना सर कि किस बिल्कुल। गवर्नर का भारत में कब्र है ना, तो लॉर्ड गाजीपुर में कॉर्नवालिस इसका एक और की हत्या भारत में लॉर्ड मेयो का भी किया गया था। लॉर्ड जी। मेयो का भी, ठीक है, थक वो जाएगा तो तो बोलिएगा। अंडमान ठीक है, निकोबार में था ना अंडमान निकोबार में किया जी। गया था बिल्कुल। उसकी हत्या की गई थी, इसका नॉर्मल। एक और का भी भारत में शिमला में इसका मृत्यु हुआ था। क्या नाम था उसका? शिमला में भी एक का वो मृत्यु हो गया था। क्या शिमला में भी किसी का नहीं मृत्यु याद हुआ है था? सर। याद नहीं आ रहा। ठीक है अच्छा आगे चलिए। मेल ही जाएगा। लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805 की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, यानी कि आपको सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हो गया हैदराबाद, जो 1798 में कर लिया था। बशीन की ठीक है। संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। बशीन की संधि 1802। बिल्कुल। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस इम्पोर्टेंट है सहायक ये। संधि जी सर, यानी पहला अगर पूछेगा राज्य तो हैदराबाद, और पहला अगर पूछेगा मराठा पेशवा अगर सरदार पूछेगा तो तो पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वितीय। ठीक है। जी। सर शिमला इस में सहायक लॉर्ड मेयो का हुआ है क्या? तो लॉर्ड मेयो नहीं, लॉर्ड मेयो का तो वहीं पे हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, अंडमान निकोबार में अंडमान में होता हुआ हुआ गया था। था ना, जो चाकू शिमला के में भी साथ हुआ था किसी धोखा का, कर देखे ना, दिया, चाकू ही ना कोई मार दिया था सर शायद लॉर्ड। सुसाइड कर लिया था कोई गवर्नर साहब, शायद नॉर्मल डेथ हुआ अच्छा था किसी का, तो हुआ था। पर ये पर ही आ गया। सर, इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु तो उसके राज में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने की सहमति जताई। अब आगे चलेंगे। लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805 ईस्वी। लॉर्ड ब्लेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। आविष्कार नहीं किया। हाँ हाँ इसका इस आविष्कार प्रणाली पहले का हो चुका है डुप्ले ने। जी डुप्ले द्वारा। एक सेकेंड सर, थोड़ा सा काम आ गया। मैडम पढ़ना।
चलिए सर, ठीक। हाँ इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1775 ईस्वी में अवध पैंसठ से की पैंसठ गई। पैंसठ में 1765 अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया, तो लॉर्ड वेलेजली विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 1800 ईस्वी ठीक बिल्कुल ईस्वी ठीक है। में आगे 99 ईस्वी से, तंजौर अक्टूबर 1799 से, अवध नवंबर 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1802, बरारा के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, और जोधपुर जयपुर मछेरी बूंदी तथा भरतपुर थे। किसने नहीं किया था? होलकरों ने नहीं किया था, ये प्रश्न पूछता। होलकर नहीं किया था ठीक है। चले आगे, होलकर याद रखेगा ठीक है। पढ़िए आगे, बेंटिक एग्जाम। लॉर्ड विलियम बेंटिक जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थ की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण किया कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुगर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वह बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक 1828 से 35 ईस्वी के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतरता, युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन, ये क्या है सर, दिख नहीं रहा स्लीमैन हमको, स्लीमैन 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 को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निशावित निवासित कर दिया निर्वासित। गया, निवासित कर दिया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगला 1789 ईस्वी, 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों को निर्यात बंद कर दिया गया और बंगाल में 1800 पूछेगा तो का बंगाल में पूछेगा तो 1789, संपूर्ण भारत में 1843 ठीक है। पढ़िए फिर से इसको। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। तो 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया और 1823 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी, लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो कि सुगौली संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 सितंबर
1815 ईस्वी को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। अठारह सौ ये चौवन देखा। सेलीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। कहाँ भाग गया सर? बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अव्यवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। और अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1851 ईस्वी में, झांसी 1854 ईस्वी में और उदयपुर नागपुर अठारह अठारह सौ सौ बावन झांसी चौवन नागपुर भी चौवन। झांसी 54, नागपुर 54 तथा करौली 1855 ईस्वी थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ने करौली के व्यापगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो है ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना था। इसका उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाली किसी भी विद्रोह को सरलता से उचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ, जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके सार्वजनिक कार्यकाल निर्माण में और पीडब्ल्यूडी क्या होगा? पीडब्ल्यूडी परमिट्स ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये पहले आर्मी देखती थी। ठीक है। कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत 15 XV 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और घोंदो केशव। डीके करवे बोलते हैं इनको। ठीक है। अच्छा, करवे। करवे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की और 1857 ईस्वी के महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया और जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि प्रदान कैंसर की नहीं, गई। कैसर कैसर है हिंदी। सर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आम
अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी हुआ था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल एलेन बरो ने दास प्रथा का उल्लंघन किया। इसके काल 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल और कर्मण्यता की नीति पॉलिसी ऑफ मास्टर इन इनएक्टिविटी आंग्ल अफगान संबंधी के संदर्भ में लॉर्ड एलेन बरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल और कर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः लॉर्ड जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का अस्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा अस्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल और कर्मण्यता शब्द का J.W.S. वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 72 ईस्वी के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान सेरा ली अफरीदी नामक एक कैदी के द्वारा कर दी गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके शासनकाल में की गई। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अक्रमण्यता की नीति के स्थान पर ठीक अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया। मेजर सेंडमेंट की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यस सर। पढ़िए इंटर मैडम, पढ़िए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। आर्सकिन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री एस एन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। सर पीसी इन इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विभिन्न सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया। ये और भी अच्छे से पढ़िए थे। लॉर्ड लिटन का स्टडी जो किया था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था उसको क्या कहते थे, उसको फिर से पढ़िए। श्री वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन एक्ट या भारतीय रिपन के समय में हटा था सर। क्या बोलते हैं इसको, मुंह बंद करने वाला अधिनियम या फिर भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम? किसने कहा था? ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। आर्सकिन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीत गामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था। श्री एस एन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। सर पीसी इल्बर्ट वायसराय के परिषद की विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता
तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठारघात बताया और लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के क्या सर दूसरा कब आया था फैक्ट्री अधिनियम? 1891 में। ठीक है, पर इम्पोर्टेंट ये लाइन है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्य विधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया, इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। चार्ल्स मिटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता के विलियम जॉन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1881 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण की सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1919 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। तीन को दिल्ली दरबार होता, कौन कौन था दिल्ली दरबार? 1877, 1901 और 1903 और 1911 1877, 1903, 1911। चलिए क्वेश्चन पढ़िए तो हिटलर मैडम, किताब खुला हुआ है। जी सर, पढ़ू क्या? पढ़िए, जिनको भी पढ़ना। हम पढ़ दे रहे हैं, एक मिनट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और दूसरा कथन है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दूसरा सही है, पहला गलत है।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के बाद रेगुलेटिंग एक्ट में कही गई वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, रॉबर्ट स्टाइल नहीं थे। और विलियम बेंटिक जो गए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे, जो कि इधर ऑप्शन में नहीं दिया है। नहीं दिया हुआ, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, चलिए पढ़िए। से वही क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। नहीं दिया हुआ, ठीक है, चलिए पढ़िए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इसे काला क्रम के अनुसार सजाएं। पहला है क्लाइव का सारे लिखे, क्लाइव कलाई का पुनः भारत में कब आएगा, 1765 में, इलाहाबाद की संधि कब होगी, ये भी 1765 अगस्त, 16 अगस्त, 12 अगस्त, बक्सर का युद्ध कब होगी, 1764 अक्टूबर, भारत का गवर्नर कब बनेगा, 72 में वारेन हेस्टिंग्स बनेगा, 73 में ना, नहीं 72 में बनेगा, 73 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसके पहले ही बन रेगुलेटिंग गए एक्ट आया था, ठीक है। जी तो जी इसमें जो सबसे पहले जो घटना जो हो जाएगी, सबसे पहले कलाई बाएगा, नहीं सबसे पहले बक्सर का युद्ध, फिर कलाई बाएगा, फिर इलाहाबाद की संधि बक्सर होगी, तो मतलब 3 नंबर सबसे पहले, बक्सर का का युद्ध युद्ध सबसे पहले, अगस्त में फिर कलाई का होगा, भारत आगमन, फिर इलाहाबाद की संधि, फिर वारेन हेस्टिंग्स 72 में, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, रहने दीजिए, चलिए हम लोग को कॉन्सेप्ट पता करना है, ठीक है, पर ये 5 नंबर। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की थी। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक थे, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, तो ये गलत है। वेरेजली बिल्कुल ठीक होगा है, ना तो शायद, लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, एलिजिबल ही होना चाहिए, नहीं लॉर्ड डलहौजी होगा, नहीं क्या पूछ पता रहे नहीं, हैं, बोल रहे ये सब गलत ब्रिटिश होगी, गलत शासकों बताना को, कौन सा गलत है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से ये एक थे, भारत में नहीं, ठीक है, ब्रिटिश ये साम्राज्य गलत को हो जाएगा, ठीक है, संग्रहित, गलत है। और लास्ट वाला ऑप्शन था लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, तो ये सही है। सही जो है, ठीक है, व्यापकता का चलिए सिद्धांत है उसी को द्युति का वही सिद्धांत ठीक, भी कहा जाता बिल्कुल है। चलिए पर आगे, नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, भारत में ब्रिटिश क्लाइव, साम्राज्य का संस्थापक। और इनको इसलिए कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, क्योंकि इन्हीं के टाइम में पलासी का युद्ध हुआ था और इसी से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होना प्रारंभ हो गया था, और बक्सर में फाइनली प्रभुत्व स्थापित हो गया था। बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है, 7 नंबर। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये 1781 में बनारस विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था, चेत सिंह था, राजा चेत सिंह। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वारन सिंह को 1780। दौड़ा देता है ये लोग, ठीक है, भागना पड़ता है इसको, बस सिंपल सी बात है, जो बोलता है सेना की संख्या कम कर दे, क्योंकि हम नहीं संभाल पा रहे बनारस के राजा, लेकिन मानने को तैयार ना था, तो बाद में उसको भागकर चुनार के किला में मतलब शरण लेना पड़ता है, 8 नंबर में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एशियाटिक कब सोसाइटी की हुई थी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी का सपना, 15 जनवरी 1784, अकॉर्डिंग टू दिस बुक 15 जनवरी 1784 में हुई थी, और इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल, किसने किया था सर्टिफिकेट, विलियम जोन्स ना। विलियम, ठीक है, ये पढ़ना, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, तो ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स से, रिंग रिंग ऑफ ऑफ फेंस फेंस, बोलते थे, अभी जिसको घेरे की बोलते नीति कहते थे, ठीक है, हैं रिंग ऑफ फेंस, कितना घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ, इसी को बोलते हैं। बफर एसेट बनाते थे इसमें, ठीक है, 10 नंबर। नेक्स्ट है रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स से है। ठीक है, 11 नंबर, ठीक नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, किसने था, लगाया था रॉबर्ट क्लाइव में, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उसी संधि के बाद द्वैध शासन स्टार्ट होता है, और 1772 में ये द्वैध शासन खत्म करके रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। ये पढ़िए,
नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये भी वही हो जाएगा, द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव। 11 किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। किसके द्वारा? एडमंड बर्क थे शायद, एडमंड बर्क बर्क के द्वारा। ठीक है बिल्कुल। 1884 से लेके, सॉरी 1784 से लेके 95 तक नहीं चला था, 1788 से 11। लेकर 1788 से लेकर 1795 तक मुकदमा चलता रहा था महाभियोग, 95 तक चलते रहे। ठीक है, लेकिन बाद में इस उनको बार सभी में दोषों से मुक्त कर दिया गया था। बोला जाता है इसने पैसे देके खरीद लिए थे। ठीक है, 14 नंबर। भ्रष्टाचार से बचने के लिए, भ्रष्टाचार। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वही वारेन वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स, 1788 से 1795, एडमंड बर्क। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस अहिंसा कब आया था? 1793 में। ठीक है 1793 में कॉर्नवालिस कोड आया था, जो कि शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत पर आधारित थे, बिल्कुल। और एक आगे चल के यूरोप में इसका नेपोलियन कोड आता था 1804 में, नेपोलियन कोड। ठीक है, नेपोलियन कोड कब? 1804 में। ठीक है, 16 नंबर। और ये जो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है, ओरिजिनली मॉन्टेस्क्यू का था ना। मॉन्टेस्क्यू का था बिल्कुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कि कालांतर में भारतीय भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉर्नवालिस। बिल्कुल भारतीय सिविल ठीक है, सेवा, किस गवर्नर जनरल ने बिल्कुल। भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो फादर ऑफ कालांतर सिविल से? से भी कहते हैं। ठीक है, सिविल सर्विस के पिता इन्हीं को कहते हैं, लेकिन आजाद भारत में पटेल साहब को कहा जाता है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न करिए। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसके शासनकाल में किया गया था? तो कार्नवालिस के शासनकाल में। बिल्कुल, वेरी गुड। 18 पढ़िए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि, तो ये कहा जाता था दरोगा को। दरोगा का गाइड, इसकी नियुक्ति किसने की थी? ये पद कौन बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये बनाया था। ठीक है, कॉर्नवालिस से ही बनाया था, कॉर्नवालिस कोड जो बिल्कुल आया था बिल्कुल, उसी में पहली बार इस पद उसी में के था। बारे में व्याख्या की गई थी, चलिए आगे दरोगा नाम पढ़ेंगे। से। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहीं पे ब्रिटिश सेनापति रहे थे किसी उपनिवेशों के खिलाफ लड़ने में? कहां पे ब्रिटिश सेनापति रहे थे ये? ये फ्रांस या अमेरिका अमेरिका का हम लोग क्रांति पढ़ रहे थे, उधर था। स्वतंत्रता संग्राम जो था ना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश को अच्छा ही पे नेतृत्व ही कर रहा था। ठीक है, हार गया था बेचारा, उसके बाद भारत में आया था। ठीक है, ये 86 में हारा था, 86 से लेकर 93 तक भारत में रहेगा, 1805 में फिर रहेगा। ठीक है, गाजीपुर में इसका कब्र है। ठीक है, 20 नंबर गाजीपुर प्रश्न इनकी पढ़िए। कब्र है, और इनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1805 को, पांच बिल्कुल, टीचर्स डे के दिन मृत्यु हो गई थी इसके। हाँ, विश्व शिक्षक दिवस के दिन। वही विश्व शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? पहला है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, दूसरा ऑप्शन है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, तीसरा है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, और चौथा है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो बहुत सुंदर कंपनी के प्रश्न लिए है। नियत आय का प्रबंध नहीं होगा इसमें। बिल्कुल, मूलतः जो था नेपोलियन का खतरा का डर था, इसलिए ये बड़ा ध्यान रखा। उन्होंने दूसरी बात, किसी भी विदेशी से ना, किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का संधि भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए चलिए आगे पढ़ेंगे। 21 नंबर। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने पहला मराठा सरदार, तो ये हो जाएंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय। बसंत की संधि कब हुई थी? बसीन की संधि 1802 में हुई थी। उसी के बाद इसने साइन कर ली थी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। वही संधि में ये सारी चीजें थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है, 22 नंबर 1802 की 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे?
तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए 23 नंबर पढ़िए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने ये हो जाएंगे अवध के नवाब। बिल्कुल, अवध का नवाब। ठीक है, ये राज्य की पूछेंगे, राज्य कौन हो जाएगा? सॉरी, तो राज्य हड़प हो गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, छोड़ दीजिए उसको। कब हुआ था अवध के नवाब ने, कब सम मतलब वो कर ली थी, स्वीकार कर ली थी? वही 1765 में संधि साइन किए थे ना, सोलह बिल्कुल, इसी अगस्त के समय। ठीक है, 1765 को बिल्कुल। तभी। चलिए, अगर पूछा राज्य के बारे में, अगर पूछा जाएगा ना, तो हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कब हुआ था हैदराबाद? तो 1798, 98 ही था ना हैदराबाद? हाँ, हैदराबाद 2 बार किया था। 1798 फिर 1800। बिल्कुल, हाँ ठीक है। चलिए 24 नंबर पढ़िए। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली के काल में। बिल्कुल, लॉर्ड विलेंदी के काल में। वेरी गुड। ठीक है, चलिए निम्न। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होल्कर्स। काहे नहीं आंसर दिया? हाँ, बिल्कुल ने तो नहीं किया था। बिल्कुल, बाद में जाके शायद बाद में स्वीकार कर लिए थे क्या लोग इंदौर के होल्कर्स, लेकिन हम पढ़े हैं लूसन में भी। क्या पता इंदौर को होल्ड कर लेता है, क्या पता कहने लिया है। ठीक है, चलिए 26 नंबर पढ़िए। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम, प्रथम भारतीय देशी शासक सहायक संधि व्यवस्था को बिल्कुल। स्वीकार करने वाले। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेसली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम कौन सा होगा? हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। क्या होगा? यही है, सबसे पहले हैदराबाद, कौन किया मैसूर, था? अवध, सबसे पहले हैदराबाद, फिर सबसे मैसूर, पहले फिर हैदराबाद सत्रह अवध, सौ फिर अठानवे फिर सिंधिया। मैसूर 1799, फिर अवध हो जाएगा 1801 और सिंधिया हो जाएंगे 1804। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे भारतीय राज्यों पर पढ़ेंगे। अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेज। बिल्कुल, आगे पढ़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभु सत्ता को स्थापित करना। सिंपल। बिल्कुल 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 सही है। 30 नंबर प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 सही है, सहायक संधि 1863 तो ये गलत है, 1798 से स्टार्ट हुआ था ना ये तो। बिल्कुल, तो गलत है ये। नेक्स्ट है, आप भारत में ये ईस्ट से इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 सही है, बिल्कुल। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 ये भी सही है। लेकिन क्या चीज का व्यापार को नहीं खोला गया था? एकाधिकार कंपनी की बनी हुई थी, चाय ना, चाय और चीन के चाइनीज साथ। था, ठीक है, चीन चीन वाला चाय चाय और वाला ना, चीन। ठीक, व्यापार चाय और चीन चाय दोनों, दोनों। चाय चीन को छोड़ के बाकी सब के लिए खोल दिया गया। ठीक है, ये पढ़िए 31 नंबर। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? वेलेजली, जिसको शेर, वो खुद को शेर कहता था ना भारत का, बिल्कुल बिल्कुल, भारत का शेर कहता था, भारत का, इसीलिए कहता बंगाल का शेर कहता था, था। अच्छा, बंगाल बंगाल का का शेर शेर, कहता बंगाली था। ठीक है, भारत था उस चलिए। समय, नेपोलियन के टाइम। लॉर्ड हेमस्टिंग्स कब आंग्ली हुआ था नेपाल ये? युद्ध, हाँ 1794 में, आंग्ले सत्रह सौ नेपाली चौदह 1794 में क्या करने आएगा? नहीं नहीं, 1814 से सोलह हमको अठारह उसके लिए बोला, अठारह सौ सौ चौदह में। अच्छा, आप कौन सी संधि होती है? सुगौली ये थी सुगौली की संधि। 1815 में इसीलिए लेखबद्ध हुई थी, लेकिन संधि अनुमोदन हुआ था 1814 में। ठीक है, उधर से कोई 15 और थापा था, 16 वीर सिंह, दोनों वीर सिंह थापा के कोई था उधर से। ठीक है, अमर सिंह थापा, अमर सिंह अमर सिंह थापा। थापा। अच्छा ठीक है, ध्यान
35 नंबर पर ही। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो इधर 1815 दिया है, 15 में हुई थी और लागू हुई थी 16। चलिए पढ़िए ये क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुंडो बक्सर का युग सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है, लॉर्ड वेलेसली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये गलत है। कौन होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था, हेस्टिंग्स होगा ठीक है, नहीं हुआ था हेस्टिंग्स से समझ में ठीक है। चलिए पढ़िए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से, वही क्वेश्चन है। समय काल कौन था? 17 से 18 के बीच में ठीक है, नेपाल वाला भी और ये तृतीय मराठा भी, दोनों इसी के समय में ठीक है। ये पढ़िए। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? हो जाएगा 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे टॉमस मुनरो। ठीक है बिल्कुल। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक यही है। ये पढ़िए। वो पढ़ दे रहे पहले, इसमें इसका क्षेत्र के बारे में दिया इसको। हाँ क्षेत्र पढ़िए इसका, बहुत सुंदर है। हाँ सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास की गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन ग्राहम रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। सबसे पहले तमिलनाडु के 12 महल जिले में, और उसके बाद मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग में लागू की गई। ये बताओ कितने परसेंट क्षेत्र लागू थी, भारत के कितने परसेंट क्षेत्र पे? सबसे ज्यादा में तो यही था ना रैयतवाड़ी, 51% में ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कितना पे था? अस्थायी बंदोबस्त 19%। 19% किसने किया था अस्थायी बंदोबस्त? वो तो कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस था। 1792 में हो गया था, 12 मुल्ला में लग गया था। अस्थायी बंदोबस्त तो वो था कॉर्नवालिस ही था। एक वो था, एक सौ महलवारी जो था कितने परसेंट पे लागू था? महलवारी 30% के अप्रोक्स में था ठीक है। 19 30 और 51 हो गया था 100। हाँ हाँ ठीक है। तो एक जो रैयतवाड़ी 1792 में फर्स्ट वार्नर लाया था, मुंडो लाया था और लगा दिया था मद्रास में, उसके बाद 1820 में पूरे भारत में तो उधर लग गया। महलवारी की शुरुआत हुई थी ना केवल बंगाल में हुआ था, तमिलनाडु के 12 महल जिले में, 12 महल में ठीक है। बाद में जाके पूरा 1820 के आसपास इसको लगा दिया गया ठीक है। चलिए महलवारी के कौन थे? महलवारी के हॉल्ट मैकेंजी था ठीक है। चलिए इसका अस्थाई बंदोबस्त के बताएं तो कॉर्नवालिस मतलब, और जॉन शोर भी था इसमें। हाँ जॉन शोर थे ठीक है। चलिए आगे चले के 37 नंबर। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर को विलियम बेंटिक ने लिया था। और एक अवध वाला क्वेश्चन आता है हड़प नीति में, तो वो डलहौजी रिपोर्ट था, जेम्स आउटरम रिपोर्ट, रिपोर्ट। और मैसूर वाला हो जाएगा तो विलियम बेंटिक। मैसूर को कब मिलाया था? तो 1831 ईस्वी में। चलो आगे चलेंगे 38 नंबर प्रश्न पर। अच्छा एक और इसमें चीज दिया हुआ है कि कुप्रशासन के आधार पर विलियम बेंटिक ने न सिर्फ मैसूर को बल्कि 1834 में कुर्ग और कछार की रियासत को भी मिलाया था। तो तीन बिल्कुल बिल्कुल कुप्रशासन के आधार पर मिलाए थे, 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग और कछार। अच्छा कुर्ग और कछार कौन से स्टेट में पड़ता है? कुर्ग तो कर्नाटक में पड़ता है, कछार पड़ जाएगा कछार गुजरात राजस्थान साउथ में ही होगा, साउथ में ही होगा ठीक है, कछार उधर ही होगा ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कॉर्नवालिस संबंधित थे जी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 तक हुआ था ठीक है, 1792 तक। संधि कौन सी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी ठीक है।
ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों के दमन में कैप्टन स्लीमैन किसके समय में हुआ था? गवर्नर टिंग के समय, बेंटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन। ये पर गया। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने लगाया था। चलिए आगे, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो जब जिसके टाइम में नियम बनेगा, यानी कि बेंटिक के टाइम पर बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया। तो 1789 में 1833 एक में बंद करना था, लेकिन बंद कब किया गया? 10 साल के बाद 1843 में, अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के आधार। कौन सा रिपोर्ट था? जेम्स आउटम। आउटम से पहले वहां पे कौन थे? आउटम से पहले वहां के रेजिडेंट कौन थे? स्लीमैन थे। कौन थे? वही स्लीमैन, जो ठगो का जो किया था वही स्लीमैन था। उसके बाद आउटरम जाता है, रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। ओके चलिए पढ़िए। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? 1850 बघात, ठीक है। ये पढ़िए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1856 कुप्रशासन, ठीक है। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए, याद है क्या? 1700 हो गया, 1848 बघात, फिर 1850, फिर झांसी नहीं उदयपुर, उदयपुर 1852, फिर झांसी 54 है। बघात का नहीं याद है, बताइए तो बघात का कब है? 1850 ठीक है। तो 48 17 सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका बघात आ जाएगा। 1-3 का आ गया, ठीक है। चलिए पढ़िए, उदयपुर फिर झांसी। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? 1849 17 का विलय गलत है, 1848 में हुआ। इसमें एक साल ज्यादा देते, इसमें 54 होगा, इसमें 49 होगा और इसमें 48 होगा, ठीक है। रंजीत सिंह की बात, उसका जो दिलीप सिंह को, दलीप सिंह नाम था, उसको हटा के मतलब पंजाब का विलय 1849 में किया जाए डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न पढ़िए, इसमें से 1856 अवध के विलय सही है। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? डलहौजी ने। हड़प की नीति को विलय की नीति भी कहते थे। डॉक्टर ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? अवध। अवध अवध का शासन के आरोप बावन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। किस प्रकार से विलय किया गया उसका वर्ष बताना है। सबसे पहले सतारा का विलय होगा, फिर संबलपुर का विलय होगा, फिर जाकर झांसी का। संबलपुर 1849 था ना? 1849 या 48 हो जाएगा, ये बताओ 54 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? मतलब सबसे पहले किसका विलय किया गया था 1848 में? ये पढ़िए, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रूज रैमजे डलहौजी का। डलहौजी का, ठीक है। इनको अर्ल ऑफ डलहौजी के बिल्कुल ये भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। 55 पढ़िएगा, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो एलन लॉर्ड एलन मरो का समय में, ठीक है। 1843 में सिंध विजय। ये पढ़िए, और कुछ चार्ल्स नेपियर का इसके बारे में स्टेटमेंट भी था ना, सिंध विजय के बारे में। चार्ल्स नेपियर को वहां पे ना वो बनाया गया था साइन करने के लिए, सिंध विजय। हाँ हाँ बिल्कुल, चार्ल्स नेपियर ने कहा था, माना कि इसे सिंध विजय करना अनैतिक काम है, लेकिन फिर भी हम करेंगे,
ठीक है, ये बहुत ही तुच्छ और बहुत ही अनैतिक कार्य है, लेकिन फिर भी हम करेंगे, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, ठीक है, मतलब है तो गलत काम लेकिन फिर भी हम करेंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। नेपियर जो था वही चार्ल्स नेपियर वही था ना जिसने मतलब 1849 में जब पंजाब का जब विलय किया गया तो वहां पे बिहार पे साइन किया था, वो नेपियर ही था ना वो। नेपियर ने सिंध विजय के बारे में कहा था कि सिंध जो था वो अफगानी तूफान की पूंछ थी। एक और ये करना तो ये गलत है लेकिन फिर भी हम करेंगे, साथ वो भी नेपियर ही निकाल दिया, नैतिक कार्य है लेकिन फिर भी करेंगे, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था 1843। एलनवरो का 1843 सिंध पे ब्रिटिश की कब्जा, रविवार का छुट्टी, एक और भी था किसका उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, एक और भी 1843, चार को काम 1843 में होता है, ठीक है, तीन ही था ना, एक तो रविवार की छुट्टी, सिंध विजय, दास प्रथा, बस और भी है कुछ, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना, कौन सा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन वाला, चलिए बताइए 57। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, सिक्किम का डलहौजी, बिल्कुल किसने किया था, डलहौजी ने किया था, कहाँ डलहौजी ने किया था, इसका ईयर हो जाएगा सिक्किम का 55 56 अवध का था, छप्पन तो अवध का है, छप्पन तो अवध का सीओर है, ठीक है, ठीक है, हम देख के बोलते हैं सर, देख के बताइए, ठीक है, तो मतलब ये कुशासन के आधार पर डलहौजी ने भी दो राज्यों को मिलाया था, एक तो सिक्किम और एक तो अवध, और उधर उसने कौन सा था भूल गया, नहीं नहीं कुछ शासन के आरोप पे थोड़ी नहीं इसमें मिला था, सिक्किम पे एक डॉक्टर के साथ कुछ मतभेद हुआ था, किसी को भेजा था, पर ही नहीं इसमें लगाया, अंग्रेज डॉक्टर के साथ विवाद हुआ था इस वजह से मिला लिया था, ठीक है, उसमें दार्जिलिंग भी शामिल था, मैसूर को विलियम बेंटिंक, हाँ मैसूर, मैसूर हो जाएगा, ठीक है, मैसूर कुर्ग और कछार, मैसूर है कुर्ग है कछार है, ठीक है, ये मिलाएगा किसको, तो आउटकम रिपोर्ट के अनुसार किसे, तो अवध को, ठीक है, अवध को, अवध, और डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार तो सिक्किम को, सिक्किम का, उस समय सिक्किम में दार्जिलिंग भी शामिल था, ये भी याद रखेगा, ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन 1850 में दे रहा है, 1850 तो ठीक है दे रहा होगा, डलहौजी ने सिक्किम के दो अंग्रेज डॉक्टरों के दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में अधिकारी कर लिया, अरे बहाना ही चाहिए था तो कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है 58। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, ठीक है, उससे पहले वो था स्लीमेन, था स्लीमेन के जगह पे आउटक्रम आया था, ठीक है, देखिए हमने लिखा ना स्लीमेन के स्थान पे आउटक्रम को, जो पहले मैं आपको बताया, पहले स्लीमेन था फिर आउटक्रम आया था, ठीक है, ये पर ही आ गया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, पीडब्ल्यूडी भी था इसी के समय आया था, पीडब्ल्यूडी जो कि अभी भी कार्य कर रही है, सबसे पुरानी संस्था है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, चलिए तार वाला भी था, तार वाला तो बंद हो गया अभी हाल फिलहाल में, कुछ दिन पहले बंद हो गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी अभी भी वर्किंग है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था, बॉम्बे थाने, कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न पर, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी, ठीक है, ये बताइए वर्ल्ड में पहले रेलवे कब शुरू हुई थी, वर्ल्ड में 1825 में, ठीक है 1825, चलिए आगे चलेंगे 62 नंबर, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, पेनिनसुला है ना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था, ठीक है, उसके बाद है, हाँ ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के बाद नहीं होता, ठीक है, डफरिन के बाद नहीं होता, ठीक है, जब बर्मा को ब्रिटिश बर्मा को मिलाएगा, ठीक है, अब बर्मा का प्रशासन कहाँ से चलता था, 1937 तक बर्मा का प्रशासन कहाँ तक चलता, कहाँ से चलता था, बॉम्बे से चलता था, ठीक है,
बॉम्बे से चलता था, ब्रिटेन से, ठीक है, 1937 में जाके इसको मुक्त कर दिया गया, इसको अलग एक वो बना दिया गया, एक अलग राज्य बना दिया, मतलब अलग प्रांति बना दिया गया। 64 नंबर, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? पीडब्ल्यूडी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये किसके अधीन काम करते थे? आर्मी के अधीन, ठीक है, आर्मी, आर्मी का, आर्मी इसका पूरा काम देखता था, ठीक है, आर्मी देखता था, देखिए सैनिक बोर्ड, इसका कार्य एक सैनिक बोर्ड पे था, ठीक है। ब्रिटिश समय में जो था रोड वगैरह सड़क वगैरह का काम जो करते थे आर्मी का होता था, ठीक है, सड़क देख रहे, पुल देख रहे, पुलिया बन रहे, कौन बनाती थी? आर्मी बनाती थी। इसीलिए देखिएगा अभी भी ब्रिटिश काल का जो सामान सब बना मजबूत है, बिल्कुल जीरो करप्शन था आर्मी में। अभी भी बीआरओ जो प्रोजेक्ट जो बनाती है, ठीक है, वो तो देखते हैं, बीआरओ तो पहाड़ी के नीचे बनाती है ना, तो भाई आर्मी बनाती है ना, आर्मी का है ना बीआरओ, जी जी, चले सेना वाला क्षेत्र में ही तो बनाते, मुख्य तो सीमावर्ती इलाकों को लेके। 65 नंबर, सीमावर्ती मैंने उसका पहाड़ी एरिया पिक्चर सर, रोड वाले एरिया में वो नहीं आएगा बीआरओ, नहीं तो जो रोड वाला नहीं आएगा, जहाँ पे वो रहेगा क्या बोलते उसको, सीमावर्ती इलाका रहेगा तो किसकी जिम्मेवारी होगी? बीआरओ ही बनाएगी ना, बिल्कुल पहाड़ी इलाका ठीक है, सीमावर्ती भी लेता। 65 पर विधवा पुनर्विवाह किया गया था, आर्टिकल्स बताए थे, किस आर्टिकल्स के तहत किया गया, धारा कौन सा था? ये तो 15 का था ना नियम, और सती प्रथा में कौन सा था? 17 5 ठीक है। किस एक्ट में दास प्रथा को हटाने की बात की, किस एक्ट में? 1833 हटा कब? 1843 बंगाल में कब हटा? बंगाल में 1789 में, ठीक है, 1789 में बंगाल में, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के लिए 1789। 66 नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? कैंगी ने सुनाया, ठीक है, चले सारा झूठ झूठ बात पढ़ दिया, किसी बात पे लागू नहीं किया गया। 67 पर एक ही बात माना गया था राज्य नहीं हरपे की, बाकी सारा झूठा ही था। 67 निम्न में से कौन एक भारत के प्रथम वायसराय थे? तो ये भी कैनिंग ही थे, अंतिम गवर्नर, प्रथम वायसराय ब्रिटिश, ठीक है, ये पर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहां पे? इलाहाबाद। इलाहाबाद, अच्छा, एक दिन के लिए राजधानी भी बनी थी क्या इलाहाबाद? हाँ, इलाहाबाद एक दिन की राजधानी बनी थी, बिल्कुल एक दिन की राजधानी बनी थी। 1857 का विद्रोहियों का दमन करने का केंद्र भी इलाहाबाद को ही बनाया गया था, ठीक है, आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद, हाँ ठीक है। इलाहाबाद में कहाँ बनाया गया था? तो अकबर का किला, देखे अकबर का किला जो संगम के तट पे है, उसी को बनाया गया था, ठीक है। अभी वो ब्रिटिश सेना, अभी भारतीय सेना उस पर वो की करती है, ठीक है, उस पर एक मंदिर भी है, ठीक है, जिसको पाताल का मंदिर बोलते हैं, नीचे है, बहुत नीचे जाना पड़ता है, ब्रिटिश भारतीय आर्मी जो है ना उसको अपने अपने अधीन रखी हुई है, ठीक है, ये पर ये। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था किसके द्वारा? वही, ठीक है, वही 1858 का जो सामग्री की जो घोषणा जो की गई थी, एक सामग्री की घोषणा तो की, लेकिन सामग्री का दर्जा कब दे दिया गया? सामग्री नहीं, साम्राज्ञी बोलते हैं, जो ही हो सामग्री तो समान होता है, ठीक है, कब दिया गया दर्जा? 1877 में दिया गया, ठीक है, कब दिया गया? 1877 में दर्जा दे दिया गया, ठीक है, ये पर ये आ ही गया क्वेश्चन, पहले ही बताओ महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1877 में, एडवर्ड आता है दूसरा बार दिल्ली दरबार, 1911 में जॉर्ज पंचम आते हैं, ठीक है, जॉर्ज पंचम के ही वेलकम के लिए क्या चीज का गठन, क्या चीज बनाया जाता है भारत में वेलकम के लिए? गेटवे, बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया, के बम्बई हाई, गेटवे ऑफ इंडिया, बम्बे हाई गेटवे निकालते हैं, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या वहीं पे बम्बई हाई, मुंबई हाई के पास ही है गेटवे ऑफ इंडिया,
बॉम्बे को भारत का प्रवेश द्वार के ताज होटल देख रहे हैं ना, वहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, ताज होटल के पास में ही है, ठीक है जी। अब भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, कोई भी सिख अगर अगर भारत अगर आना चाहे ना तो बॉम्बे के पास ही आके भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है, 71 नंबर, इसलिए भारत का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है, 71 पर ही। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? किसने किया? एलन बरो। एलन बरो, बिल्कुल एलन बरो ने किया था, ठीक है। चलिए धारा 5 याद कीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज करेंगे 72 करेंगे, 72 बताइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड वेलेस्ली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, ये तो गलत है ना, जॉर्जेंस की गलत, बिल्कुल लॉरेंस हो जाएगा, ये क्या होगा, सहायक संधि भी गलत है, वेलेस्ली हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सपना किसके शासनकाल में क्या था? डफरिन के शासनकाल में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये व्यापगत क्या था यहाँ पे, ठीक है, सब तो हो ही गया, ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है 1793, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि 1798, ये भी सही है, लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत ये भी सही है, और लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है, कुशल उच्चतम निष्क्रियता ये कॉर्नवालिस का, ठीक है, सॉरी सॉरी उस्तम इसका इसका क्या नाम है इसका, जॉन लॉरेंस अफगानिस्तान को लेकर किया था, अफगानिस्तान को लेकर किया था, ठीक है, लॉरेंस, ठीक है। चलिए अफगानिस्तान के साथ तो आक्रामकता की नीति थी ना, अफगान लिटन ने किया था, वो तो लिटन का था, अफगानिस्तान दो तरह का होता है, शुरू में एक हस्तक्षेप की नीति अपनाई, फिर जाकर आक्रामकता की नीति अपने अफगानिस्तान के साथ साथ दोनों है, ठीक है, दोनों होता है, देख लीजिएगा सर, अफगानिस्तान के साथ दोनों है, मुझे तो यही याद आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा, ये पढ़िए तो अस्थाई बंदोबस्त लिटन लिटन का था, अफगान की आक्रामकता, लिटन तो फिर शुरू कर देता, उससे पहले हस्तक्षेप की नीति चल रही थी, लिटन आता था फिर आक्रामकता की नीति लेकर आ जाता, लिटन से पहले पॉलिटिक्स बहुत शांत होगा, उसके फिर लिटन आएगा अफगानिस्तान को, फिर मतलब हस्तक्षेप की नीति यानी लेसेस फेयर ना, वो किसने स्टार्ट किया था, वो लॉरेंस ने स्टार्ट किया हस्तक्षेप, हां लॉरेंस होगा, ठीक है, सही है सही है, वो क्या कहते हैं ये अहस्तक्षेप की नीति को ही ये क्या कहते हैं इनएक्टिविटी वाला बोला गया है, इनएक्टिविटी वाला बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, और बाद में इसके जो अहस्तक्षेप को खत्म करके वो लिट्टन ने अपना आक्रामकता की नीति अपनाई थी, वो वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अफगानिस्तान के लिए दोनों यूज हुआ था, ठीक है, कारण क्या है पूरा अंदर में जाएंगे तो बताऊंगा, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी चलता है अफगानिस्तान में, ठीक है, बोला जाता है ना कि अपने बेसिक साम्राज्य का पलिहा कहा जाता है अफगानिस्तान को, ठीक है। चलिए 74 नंबर पढ़िए, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सॉर या विलियम कॉर्नवालिस, कितने परसेंट पे था? तो 19% पे था, ठीक है, 19। चलिए 75 नंबर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये गलत है, तृतीय आंग्ल से लेके ये बिलेजली होता है ना, बात चल रहा था 1805 तक बिलेजली होगा, और लॉर्ड हेस्टिंग्स थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध आ जाएगा ना, सही है, रेगुलेशन सही है, लॉर्ड बिलेजली सहायक नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में, कब किया गया था? बिल्कुल ठीक है, तो 1818 में समाप्त किया था पेशवाई को, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब किसने, हाँ ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, ये हर दो ऑप्शन सेम क्यों है? लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है,
सर जॉन्स और ये वाला गलत है, आंग्ले नेपाल युद्ध, आंग्ले नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से समय होता है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1814-16 ये हेस्टिंग्स होगा ठीक है, 1814 से 1816 तक चलेगा ठीक है, अमर सिंह थापा नेपाल की तरफ से ठीक है, और ब्रिटिश सरकार की तरफ से कौन थे, ब्रिटिश सरकार की तरफ से नाम था, ये पहला एक ऐसा वार जो था ना, एक पहला ठीक है, एक पहला एक ऐसा वार था जिसमें दो देशों के शासक प्रमुख ना, एक तरफ से शासक प्रमुख था, एक तरफ से मतलब आर्मी इन चीफ था ठीक है, तो काफी मतलब आमने सामने की संधि ही नहीं थी ठीक है, तो ये भी एक विवाद का कारण निकला था ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा गोरखा सरदार अमर सिंह थापा, इधर से कौन था, अक्टर लोनी ठीक है, क्या नाम था, अक्टर लोनी, इसी के बाद मतलब अभी तक देखेंगे इसमें क्या होता, कुमायूं वगैरह का क्षेत्र जो था वो सौंप दिया गया, जो कि अभी भी लिपुलेख वाला विवाद है उसी समय से शुरू हुआ था अभी तक है, सुगौली जो थी मोतिहारी जिला में पड़ता है ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ था ना, उसके बाद एक ब्रिटिश को प्रॉमिस किया गया था लॉन्ग टर्म के लिए, जो गोरखा सेना जो थे हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, वही गोरखा सेना का बहुत बड़े मात्रा पर प्रयोग लोग कहाँ पे किया, तो 1857 के युद्ध में गोरखा सेना ठीक है, सिख सेना, और ये सेना लोगों ने मतलब बड़ा कत्लेआम किया था, ब्रिटिश को जीतने का सबसे बड़ा रीजन यही था, अभी भी मतलब जाइएगा तो प्रति ब्रिटिश रेजिमेंट आती है और गोरखा सैनिक को भर्ती करके ले जाते हैं, अभी बकिंगम पैलेस में महारानी का जो पर्सनल बॉडीगार्ड जो था गोरखा आर्मी होता है, अभी तक यहाँ से आर्मी जाती है ठीक है, और गोरखा रेजिमेंट भी बना दिया गया था, आगे पढ़ेंगे, फिर से वही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, लॉर्ड एलनबरो अवध का विलयीकरण गलत है, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण ये भी गलत है, लॉर्ड वेलेजडी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बस यही सही है, कब हुआ था, 1799 में ना, ठीक है, और यही भी 1799 ही आंग्ल मैसूर के साथ क्या की जाएगी, तो सहायक संधि भी कर ली जाएगी ना, मतलब मिला लिया जाएगा, सॉरी मैसूर राज्य को मिला लिया जाएगा, अब कौन सा डायनेस्टी को फिर से वहां पे मतलब रिकलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि पहले से भी था जिसको हटाकर मतलब इसने नींव रखी थी, हैदर ने अपना अलग साम्राज्य बनाया था, तो उसको फिर से स्टेबल कर दिया जाएगा, ठीक है, पढ़िए 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण तो ये सही है, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना सही है, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, आंग्ल अफगानी तो याद शुरू तो हुआ था लेकिन प्रथम नहीं था द्वितीय था, ठीक है, ये आक्रामकता की नीति लेकर आएगा अफगानिस्तान में फिर से हस्तक्षेप करना शुरू होगा तो दूसरा वाला शुरू हो जाता, दूसरा ही था ना पहले वाले के टाइम में, ऑकलैंड रहेंगे पहला बार में, ये दूसरा बार में हो जाएगा, चलिए आगे चलेंगे, निम्न में से चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ किसका जुड़ाव था, विलियम बेंटिक, बोला था ना से अफगान के सेंस में किया था, आप लोग बोल रहे थे अफगान के सेंस में, ठीक है, लॉरेंस ने किया था, ठीक है, इसके साथ दोनों हुआ था, एक अफगान के साथ आक्रामकता की नीति भी होगा, मार्शल इनएक्टिविटी जो कि लॉरेंस करेगा, बाद में ये आएगा ना लिटन जो आएगा ना फिर अफगानिस्तान पे जाकर अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसको उधर से बार बार बोला था ब्रिटेन से अफगानिस्तान से दूर रहो दूर रहो दूर रहो, लेकिन इन लोगों को सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कि अफगानिस्तान का सीमा रशिया से लगता था, ठीक है, किससे, रशिया से लगता था, और वहां पे देखेंगे अफगानिस्तान स्वतंत्र, लेकिन फ्रेंच एम्बेसी था, रशियन एम्बेसी था, सारा का सारा एम्बेसी था, तो इन लोगों को लगता था कहीं रशिया, ठीक है, उस रास्ते से आकर मतलब कहीं भारत पे आक्रमण तो न कर दे, या फिर कोई भी विदेशी आ सकता है, इसलिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन अफगानिस्तान का स्ट्रक्चर ऐसा था जो वहां पे जाते थे फंस जाते थे, ठीक है, वहां का कभी भी लोग मतलब गोरिल्ला वार वरने के आदि तो नहीं थे, लेकिन अफगानिस्तान में गोरिल्ला और का पूरा माहौल था, और उन लोग का मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने मिलती बहुत ज्यादा था, मतलब यूनिटी अफगानिस्तान में देखेंगे तो अभी भी उस समय भी था बहुत ज्यादा, इसी वजह से बार बार वहां पे हारते थे, तीन बार आक्रमण की, दो बार तीन बार था, तृतीय नहीं हुआ था ना, दो ही बार था ना, दो बार ठीक है, दोनों बार हारे ही थे लोग बहुत बुरे तरीके से, ठीक है, चलिए 82 नंबर, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो 1872 मेयो हो जाएगा, नियमित पूछेगा किसके शासनकाल में, रिपन 1881 रिपन के शासनकाल में, ठीक है, बहुत सुंदर, चलिए पढ़ेंगे, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई, तो ये 1872 सॉरी मेयो, ठीक है मेयो, ये पढ़ेंगे, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, मेयो का चाकू मार कर हत्या कर दिया गया, चाकू मार दिया था सर, उसका नाम क्या था, उसका नाम था शेर अली,
अफरीदी की समथिंग नाम था, ठीक है, अफरीदी तो था। ठीक है, 85 नंबर, इस टॉपिक को खत्म करके बंद करेंगे, ठीक है, 85 पर। अली अफरीदी इस टॉपिक में क्वेश्चन, अफरीदी कितना क्वेश्चन है, 118 प्रश्न है, 118 कहाँ है, 35 को क्वेश्चन बचा, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, इसका तो लॉर्ड में ही हो जाएगा, ये पर ही क्या है। किस वर्ष रेखदश के कार्यकाल में की गई थी लॉर्ड में, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो लिंकन था। कुशल अक्रमता की नीति के स्थान पर ये इसको खत्म करता, लॉरेंस की नीति और उसके अग्रगामी नीति लाता, ठीक है, फॉरवर्ड पॉलिसी जिसको कहते हैं, ठीक है, चलिए, फॉरवर्ड पॉलिसी, अग्रगामी नीति, आक्रामकता नीति, सब इसी को बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो लॉर्ड लिटन, लिटन ने, बिल्कुल ठीक है। कौन सा भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था, लॉर्ड कर्जन सबसे दीर्घ काल तक, 7 वर्ष, 7 वर्ष तक रहा था कर्जन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, डफरिन 4 वर्ष के लिए, हार्डिक 6 वर्ष के लिए, मेयो 3 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी किसके कार्यकाल में, तो रिपन, बिल्कुल ठीक है, रिपन था, स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं इनको। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था, तो ये भी रिपन, ठीक है, ठीक है। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था, इल्बर्ट विल विवाद तो भारतीयों का था, सुनवाई वाला, ठीक है, यूरोपियन लोगों को भारतीय न्यायाधीश में सुनवाई नहीं कर सकते, करेंगे तो इल्बर्ट विल में ही कहेगा करने के लिए, लेकिन बाद में जाके ये विवाद का कारण बनता है, इसके वजह से रिजाइन करना पड़ता है, किसे, रिपन रिजाइन कर देते, ठीक है, दो विवाद के वजह से दो वायसराय का रिटायर होता है, ठीक है, एक रिपन जाता है इल्बर्ट विल के, एक किचनर विवाद के वजह से किसना जाता है, किचनर इरविन का, ठीक है, किचनर, किचनर विवाद की वजह से कर्जन जाएगा ना, कर्जन 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 सॉरी 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 कर्जन सॉरी कर्जन किचनर विवाद, हाँ सॉरी सॉरी मिस्टेक, ठीक कर्जन, ठीक 92। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटे को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 तो कितना, कितने वर्ष हमारे को बच्चे कोई काम नहीं कर सकते हैं, 7 वर्ष से कम को कोई काम नहीं करना है, 7 से 12 वर्ष का 9 घंटा और महीने में 4 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी, ठीक है, आगे पर ये फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, और दूसरा है एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, तो दोनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, एएम लोखंडे ब्रिटिश भारत मजदूर आंदोलन, मजदूर संघ थोड़ी ना था ये, ठीक है, केवल 2 में, ठीक है, मजदूर संघ के लिए नहीं था, वो मापदंड बनाने के लिए था ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये पढ़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, रिपन को, आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन यही गलत है, बाकी सारे सही है, स्थानीय स्वशासन हो जाएगा रिपन, सहायक राज्य अपहरण नीति डलहौजी और स्थायी बंदोबस्त करने वाले, ये बताना क्लाइव क्या किया था, क्लाइव ने किया था बंगाल में दोहरा शासन, द्वैध शासन, बेंटिक ने किया था अंग्रेजी शिक्षा बेंटिक, कर्जन ने बंगाल का विभाजन, ठीक है, बंग विभाजन, ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, ये डलहौजी ने क्या किया था, व्यक्तिगत का सिद्धांत, बेंटिक ने किया अगर सती प्रथा का उन्होंने, रिपन ने क्या किया था, तो रिपन ने किया था बंगाल का सॉरी स्वायत्त स्वशासन, कर्जन ने बंगाल का विभाजन, ठीक है, चलिए ये पढ़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल घटना से संबंधित है जो कि सुमेलित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट गलत है, रेगुलेटिंग एक्ट के हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त के समय कॉर्नवालिस थे,
लॉर्ड एलनबोरो सिंध का विलय, ये सही है, लॉर्ड एलनबोरो सिंध के विलय के टाइम में थे। और लॉर्ड डलहौजी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो इसके समय वो थे ऑकलैंड, ऑकलैंड ऑकलैंड है। दूसरे वाले Next में कौन थे अफगान वाला में? दूसरे वाले में थे हेस्टिंग्स, नहीं 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 हेस्टिंग्स नहीं, हेस्टिंग्स नहीं, नॉर्थ ब्रुक है, नॉर्थ ब्रुक थे दूसरे में आंग्ल अफगान, नहीं तो दूसरा वाला में क्या हो जाएंगे ना, दूसरा वाला में तो ये ना थे मैम, लिटन ना, लिटन 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 थे, लिटन थे 78 की नीति जी, चलिए 99 पर है, लिटन ही थे दूसरे वाले में, वही तो नया नीति लेकर शुरू हुआ था, तो मतलब हासिफ को त्यागा था लॉरेंस के बाद हुआ आया था, तो उसी के बाद शुरू हो गया था, ठीक है ना जी, जी सही है, पता नहीं आप लोग बोल रहे तो सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड कर्जन 1904 में हुई थी, सॉरी सॉरी एक ना एक में बात नहीं नहीं पुरातत्व सर्वेक्षण 4 में ना, महानिदेशक नियुक्त किया गया था लेकिन स्थापना तो 4 में ही हुआ था, 1904 में ही नहीं दिया है क्या, नहीं दिया सर, ठीक है 1899 से 1905 तक इसके कर्जन का शासन काल था, 1904 ही होगा, 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एजेंसी को एकीकृत स्वरूप देते जॉन मार्शल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था, लेकिन भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम को, अलेक्जेंडर कनिंगम को, ठीक है बिल्कुल 100 नंबर पर है, 1904 में तो वो आया था ना, क्या कहते हैं प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, बाकी पुरातत्व विभाग भारतीय प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 के द्वारा कर्तन भारत और पुरातत्व सर्वेक्षण तो 1901 में नहीं उसी में दिया हुआ है, भारतीय परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत को ध्यान में रखते हुए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, 1904 ही दिया है, ओएम भी पढ़े हुए हैं, उसमें तो एक जॉन मार्शल को महानिदेशक किया गया था एक में, ठीक है चलिए 100 नंबर पर देख लीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो कर्जन के काल में, ठीक है। दूसरा है निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, तो ये भी इसमें आंसर सही नहीं है, क्या है 1904 में कर्जन के द्वारा, 1904 इसलिए क्योंकि 1871 में बनाया गया था पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यहाँ लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नहीं लिखा हुआ है, जो कि 1871 में बना था, उस समय गवर्नर जनरल कनिंगम को नियुक्त किया था, कनिंगम शायद इसी में था, कनिंगम शायद इसी में था, ये छत्तीसगढ़ सीएस का है क्वेश्चन, उन लोग नहीं माना है आंसर। नेक्स्ट है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन, कितना राशि इसको की थी, 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड, 103 पर। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोखले साहब ने, ठीक है चलिए आगे पढ़िए 4 नंबर। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स वर्तमान स्वरूप में आप लोग एनसीसी के रूप में देखते हैं, ठीक है यही एनसीसी, बिल्कुल ठीक है इसी को, ठीक है इसी को एनसीसी बोलते हैं, ठीक है एनसीसी तो वो है ना 1948 वाला एनसीसी तो है, वो तो बेडन पावल है ना, कैडेट क्रॉस जो था यही था एनसीसी था, एक बार देख लीजिए कर करके, हो सकता मैंने एनसीसी एनसीसी था, यही इसी को आगे वो कर दिया गया था सर 1948 में, इसी को वो कर दिया गया था, देखिए मैं चेक करता हूँ आगे पर। ये तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए और उनकी पदावधि का सही काल अनुक्रम क्या है, मतलब किनका काल पहले था किनका बाद में, तो लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा 99 से 1905 और हार्डिंग का हो जाएगा 1910 से 1916 और चेम्सफोर्ड का हो जाएगा 1916 से 1921 और लॉर्ड इरविन का हो जाएगा 1926 से 1931 और यही इसकी सीरीज भी,
इसका सीरीज भी सेमी में दिया था, ठीक है, तो देख के बोल रहे हैं। नेक्स्ट, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? असैनिक प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, और दूसरा है पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो एक और दो दोनों सही हैं। बिल्कुल एक और दो दोनों सही है, ठीक है। और सैनिक प्रशासन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, और इसी के तहत पूर्वी बंगाल और आसाम नाम से एक नया प्रांत बनाया गया था। बिल्कुल। नेक्स्ट है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो लॉर्ड कर्जन और मिंटो, यहाँ दो आंसर लिया है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन और मिंटो भी। मिंटो भी वही, क्या ना, मुसलमानों को जो तोड़ने का जब काम किया तो उसके लिए मिंटो को लेता है। क्या था नहीं, इसीलिए इसको लेता है। संप्रदायिकता का पिता भी कहते हैं इसको, मिंटो को, ठीक है। 108 करिए। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? लॉर्ड लिटन ने, डफरिन ने, कर्जन ने या मिंटो ने? कर्जन ने। फेमस क्वेश्चन ये, ये पढ़िए। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने। मिलिट्री स्कूल जो था ना, उसी के तर्ज पे एनसीसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये बच्चे लोग को जो मिलिट्री स्कूल में जो देखते हैं ना, अभी वही ना होता है एनसीसी में, उसी के तर्ज पे किया गया था, ठीक है। देखिए, इसलिए मैंने बताया था क्रेडिट कॉर्प्स। देखिए, इसको पढ़िए, ग्रुप में डाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग, क्या नाम था इसका? रीडिंग, ठीक है। क्या नाम था इसका? रीडिंग वायसराय था 1921 से 26। बहुत सुंदर, ठीक है। 21 से लेकर 26 तक था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स डॉक्ट्रिन, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, यही था। पिट्स ऑफ इंडिया, पिट्स 84 में, 84 में कौन था? 85 तक था, सही है। हां सही है, वॉरेन 85 में, 84 85 तक था नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये गलत है, ये लिटिल हो गया। एलिवेट में डिफरेंस था, रिपन हटाया था, ठीक है। चलिए पढ़िए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ठगी का दमन विलियम बेंटिक सही है, एल्बर्ट बी रिपन सही है, रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी सही है, है? रिंग फे... हाँ, हाँ, सही है, ठीक है, सही है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बफर स्टॉक बनाते थे, क्या बनाते थे? बफर स्टेट बनाते थे, ठीक है, बफर स्टेट बनाते थे, ठीक है। आगे चलेंगे। 13, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, बच्चा हार्डिंग, ब्रिटिश, हाँ हार्डिंग हो गया। 14। नेक्स्ट है, सही जोड़े बनाई और चूक का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसका था? तो डलहौजी का था। बंगाल का भी शासन कर गए, बंगाल में दोहरा शासन, क्लाइव, क्लाइव और सामाजिक सुधार बेंटिक। नेक्स्ट बताना है, इसको भी मिलाना है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, अभी तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, 1773 के अधीन किया गया था, तो इसमें कौन था? तो इसमें थे चार्ल्स कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस। कौन सा एग्जाम पूछा है? आईएएस में पूछा है। इसको तो इसको बोलते थे ना, डलहौजी को बोलते थे एंड्रूस ब्राउन डैंड, या फिर डलहौजी को अर्ल ऑफ मार्किसन बोलते थे। डलहौजी कहाँ गया इसमें? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया डलहौजी? दूसरा में,
दूसरा तीसरा नंबर कार्ल करके है क्या, दूसरा नंबर भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन मिलाना क्या है इसमें तुमको नहीं एक का तीन एक का ए वाला तीन में जाएगा एक का तीन दो का दो तीन का चार दो का दो इसमें ये लिखा हुआ है जो कैसे दे दिया पता ही नहीं समझ एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए ना सबसे अच्छा समझ में आ जाएगा सर 1833 तो बोले ना ये तो मिला ही दिए थे वो इसमें जो फर्स्ट लिस्ट में एक्ट के नाम दिए गए हैं तो इन एक्ट के तहत किसकी नियुक्ति की गई थी ठीक है तो जो इसमें दूसरा ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन तो इसके अधीन डलहौजी की नियुक्ति की गई थी और फिर है इसमें तीसरा ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय एक्ट 1858 के अधीन तो इसके अधीन मिंटो की नियुक्ति की गई थी और जो लास्ट ऑप्शन है गवर्नर जनरल सम्राट के प्रतिनिधि यानी कि 1935 के अधीन किया गया था तो किसके अधीन की गई थी मतलब इसके किसकी नियुक्ति की गई थी तो इसके अधीन वैवल की नियुक्ति की गई थी अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी और जो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ना बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसको नियुक्त किया गया था तो इसमें होना चाहिए आंसर में वो इसमें होना तो चाहिए वॉरेन हेस्टिंग्स परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है तो इसके लिए उसके बाद जो आया है उसको ले लिया है आंसर कार्नवालिस ये बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि भारत में गवर्नर जनरल और सम्राट के प्रतिनिधि की नियुक्ति किस एक्ट के अधीन की गई थी तो 1935 के एक्ट के अगर इस तरह से हम लोग पढ़े ना तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कौन से पद की नियुक्ति किस एक्ट में आई थी इस तरह से पढ़ सकते हैं बिल्कुल नेक्स्ट है सूची एक और मतलब किस स्थान का विलय अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष किया गया था इसको मिलाना है तो संभलपुर को 1849 में सतारा 1848 में अवध 1856 में और झांसी 54 में ये 17 करो नेक्स्ट है निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए सिक्किम का विलय तो सिक्किम का विलय हुआ था 1817 में मिल गया 1817 डलहौजी के शासन काल में हुआ था ना डलहौजी के समय अभी तो किए थे कुछ तो यहाँ पे 17 दिया इसके एक्सप्लेनेशन में अच्छा ना? इसमें ये भी साथ में लिखा गया देख लीजिए इसमें ये भी लिखा गया कि 1817 में सिक्किम का जो विलय किया गया था उसमें सिर्फ सहायक संधि की गई थी ठीक है यहाँ पे सहायक संधि की बात पूरी तरह से मिलाया गया डलहौजी के शासन काल में जो डॉक्टरों के साथ दरबार किया था पूरी तरह से मिला गया था सहायक संधि में आपको क्या करना पड़ता सहायक संधि में ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा दिया जाता है आप किसी भी विदेशी राज्यों से संधि नहीं कर सकते हैं आप पूरी तरीके से बंध जाते हैं आपको पूरी तरह आप आराम से रोटी तोड़ने के लिए बैठना आपका पूरे जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार की होगी आपकी सीमा की रक्षा करना उसके बदले में आपको ब्रिटिश सरकार को सेना रखने के लिए जो पैसा जो है वो आपको देना पड़ेगा ठीक है अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका ब्रिटिश रेजिडेंट का होगा ये सहायक संधि में जैसे उसको राज्य में मिलाएंगे तो राजा की भूमिका ही जीरो हो जाएगी राजा नाम भी हट जाएगा ठीक है राजा को एकदम पद से मतलब क्या कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा तो सहायक संधि और राज्यों को हड़प नीति में अंतर है ठीक है यहाँ पे सहायक संधि में राजा नाम मात्र का रहेगा लेकिन यहाँ पे जब राज्यों को हड़पेंगे तो राजा को थ्रोन आउट कर देंगे समझ गए ना चलिए सहायक संधि को एक लाइन में बोल सकते कि जो शासक जिस शासक के साथ सहायक संधि की जाएगी उसके पास अधिकार कोई नहीं होगा कर्तव्य सारे निभाने हो बिल्कुल हाँ बिल्कुल वेरी गुड बहुत अच्छा तो इसमें था सिक्किम का विलय 1817 जिसमें सहायक संधि सिर्फ की गई थी फिर झांसी का विलय 1854 है पंजाब के विलय 1849 में किया गया और बर्मा का विलय 1886 में तो बर्मा को मिलाया गया था 1886 में और हटाया गया था 1937 में बर्मा एक अलग इसको प्रांत बना दिया गया था हुआ था द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध के बाद बर्मा का विलय 1853 में हुआ था बर्मा का विलय 1853 में हुआ था सर द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ना उसी के बाद हुआ था उसका विलय बर्मा का हुआ था
वर्मा का तो विलय तो हो गया होगा, क्योंकि मैं 1857 के क्रांति में जब मेरठ में मेरे बैरकपुर में जब मंगल पांडे का विरोध जब होता है तो बर्मन आर्मी ही आके मतलब विरोध को विद्रोह को मतलब दबाती है। एक बार इसको देख लीजिएगा ठीक है। बर्मन आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है, बर्मन से आके विरोध को शांत करती है, क्योंकि भारतीय सेना पे विश्वास नहीं था तो बर्मन आर्मी को बुलाया जाता है ठीक है। चलिए 118 पर ये देख लीजिएगा इसको। जब 1853 में या 52 जो बोल रहे हैं ना बर्मा को मिलाया गया था, तो पूरी तरह से बर्मा को नहीं मिलाया गया था, लोअर बर्मा और पीगू क्षेत्र को मिलाया गया था। हाँ वेरी गुड, लोअर बर्मा और पीगू क्षेत्र बिल्कुल सही बताई ठीक है, लोअर बर्मा और पीगू क्षेत्र को मिलाया गया था, सही बात। पूरी तरह से नीचे वाला बर्मा का निचली हिस्सा था बिल्कुल, और पूरी तरह से 1886 में मिलाया गया और पूरी तरह से भारत से हटा दिया गया 1937 में। आप गलत नहीं थे सर, बर्मा का प्रशासन सर बॉम्बे से चलता था। ठीक है 118 पर ये। और सिक्किम का भी वही 1817 में सिर्फ सहायक संधि हुई थी, पूरी तरह से अधिकार नहीं किया गया था, और 1850 में ठीक है अधिकार कर लिया गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुए थे, और ये ऑप्शन ई है। 1877 कब दिया गया राज, 77 में इसमें एक नहीं दिया, इसमें एक ऑप्शन नहीं लिया गया है, इसमें ये दिया गया कि मतलब ये उपाधि एक टाइम से थोड़ी दिया गया जो कोई एक कार्यकाल रहेगा इसका। ठीक है अच्छा, वो देखकर 57 के बाद भी था 60 में भी था, में भी था, साथ में भी था इसमें।